नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर कल वसई में हुए एक बड़े रेड की। आप सभी को मालूम है, वसई में कल एंटी करप्शन यूनिट थाने ने वसई के नायब तहसीलदार प्रदीप दामोदर मोकणे और मंडल अधिकारी संजय सोनावणे के खिलाफ ट्रैप की कार्यवाही की और ट्रैप की कार्यवाही के बाद इन दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया। कल गिरफ्तार करने के बाद में इनको कल की रात पुलिस स्टेशन में रखा गया था और आज सुबह दोपहर में करीब 1:30 से 2 के बीच इन दोनों ही आरोपियों को वसई सत्र न्यायालय में पेश किया गया। आज की अपडेट है, वसई सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां करीब 1:30 से 2 घंटे तक आर्ग्यूमेंट चला और आर्ग्यूमेंट चलने के बाद एसीबी ने इस मामले में काफी गहनता से जांच पड़ताल की है, ऐसा कहा जा सकता है। तभी एसीबी ने इनकी कस्टडी मांगी थी 8 दिन की, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है। लेकिन एसीबी को आखिरकार 4 दिन की पुलिस कस्टडी कोर्ट ने मंजूर कर दी। तो कहीं ना कहीं कल के प्रेस नोट में सिर्फ इतना लिखा गया था कि प्रदीप दामोदर मोकणे ने मांग की और संजय सोनावणे ने स्वीकार की, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने कस्टडी दी। ये बड़ी चीज है, बड़ी बात है। हालांकि कल जो प्रेस नोट सामने आया था वो शॉर्ट प्रेस नोट था। आज हम आपको इस मामले की एफआईआर भी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। एफआईआर की कॉपी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस एफआईआर की कॉपी में जो मजमून लिखा हुआ है, इस मजमून को देख के ऐसा, इस मजमून को देखने और पढ़ने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि एसीबी ने कई दिनों से ये पूरा एक जाल तैयार किया था और आखिरकार उस जाल में प्रदीप दामोदर मोकणे अटके हैं। यहां पर जो फरियादी है उसने लंबा चौड़ा अपना बयान दिया है पुलिस के सामने और उसी बयान के आधार पर एफआईआर लॉन्च की गई है। अब आगे 9 तारीख तक ये भी कस्टडी है, 9 तारीख को क्या होता है वो तब मालूम पड़ेगा। इस दरमियान में कल मैंने इसको लेकर खुलासा किया था, अपना वीडियो डाला था 18 मिनट का, आप सबने देखा है। उस वीडियो के रिलीज करने के बाद में मुझे कुछ लोग के फोन आए, कुछ पीड़ित लोग के भी फोन आए, जिनका ये कहना है कि सालों से हमारे काम प्रलंबित है। एक का पीड़ित का फोन आया तो उन्होंने बताया कि 12 साल से उनका कोई काम प्रलंबित है और उसमें ये लोग जानबूझकर काम नहीं कर रहे हैं। इसी तरह का काम था, फेरफार का और जमीन का मामला था, उनकी अपनी जमीन है लेकिन उनको अपनी जमीन ये लोग नहीं दे रहे, नहीं दिलवा पा रहे, ऐसा एक मामला था। उसका खुलासा बहुत जल्द मैं आने वाले दिनों में करने वाला हूं। जिसने हमसे संपर्क किया है उससे पूरे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे और उसके बाद में उसके बाद खुलासा किया जाएगा। साथ ही एक बड़ा खुलासा और भी 1-2 दिन में करने वाला हूं मैं। तहसील के अंतर्गत ही जो सेतु ठेकेदार है उसको लेकर है वो खुलासा, और वो भी आने वाले कुछ दिनों में मैं खुलासा करने वाला हूं। उसके भी कुछ पेपर हमारे पास आए हैं और कुछ पेपर आने बाकी है, वो भी उसमें भी प्रदीप मोकणे हो या तहसीलदार हो, वो लोग सब शामिल है। तो कहीं ना कहीं यहां भ्रष्टाचार आज उजागर हुआ, वो आज इतना ही सीमित नहीं है, ये काफी भ्रष्टाचार काफी बड़े स्तर पर है। यह तो हुई बात प्रदीप मोकणे को कोर्ट में ले जाने की और जो भ्रष्टाचार चल रहा है। आज एक चीज और जो मैंने देखी उसके बारे में आपको लास्ट में ये कहना चाहूंगा। प्रदीप दामोदर मोकणे को जिस समय, दोनों को, प्रदीप दामोदर मोकणे नायब तहसीलदार और संजय सोनावणे, इनको जब कोर्ट में हाजिर किया गया दोपहर के समय, तब मैं खुद कोर्ट परिसर के पास था, साथ ही मैं तहसील परिसर में गया, तो मैंने देखा कि तहसील कार्यालय में कुछ गिने चिने 2 या 3 शख्स बैठे थे, कर्मचारी बैठे थे, बाकी सब कर्मचारी सिपाही से लगाकर अव्वल कारकुन तक कोर्ट में थे। तो क्या कलेक्टर साहब ने
इन लोगों को आज की छुट्टी दी थी। ये लोग जब कभी कुछ ऐसा मामला होता है पूरा का पूरा कार्यालय छोड़कर निकल जाते हैं, पब्लिक का काम रोकते हैं। क्या इनके ऊपर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? किस हक से ये पब्लिक का सरकारी पैसा उठाते हैं, सरकार इनको पगार देती है जो पब्लिक के टैक्स का पैसा है, और ये भ्रष्ट आदमी को बचाने उसके सहयोग करने जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये लोग पूरा का पूरा कार्यालय खाली करके वहां पहुंच जाते। इसके पहले भी अभी बीच में जब एक तलाटी के ऊपर एसीबी की रेड हुई थी तब भी पूरा का पूरा तहसील कार्यालय खाली हो गया और कोर्ट में था। आज मैंने वहां पूछा भी क्यों तहसील इस तरह से खाली है, तो कहा जाता है कि कोर्ट में है। एक ने यह बहाना किया कि बारिश ज्यादा है, और बाद में मेरे को बोलता है, ये जवाब में ये बोलता है कि बारिश ज्यादा है इसके लिए काम नहीं है, कोई आ नहीं पाए, और बाद में बोलता है तुम तो भी कोर्ट में थे तुमको मालूम है। मतलब सीधा सीधा इन लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है जिला प्रशासन, यह सोचने की बात है। मैंने वहां खड़े रह के भी एक वीडियो अपना बनाया था, वो आप आगे इसमें देखिए। क्योंकि तहसीलदार कार्यालय के अंदर वीडियो बनाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसीलिए मैंने तहसीलदार कार्यालय के बाहर खड़े रह के वो वीडियो बनाया था। तो ये जिला प्रशासन को सोचने वाली चीज है कि क्यों इस तरह से हर बार तहसील कार्यालय खाली हो जाता है, इनके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होती, पब्लिक का काम क्यों रोक दिया जाता है, वो भी भ्रष्ट आदमी भ्रष्ट अधिकारी की सुनवाई के दौरान। तो अभी के लिए इतना ही, जैसा मैंने बोला आने वाले दिनों में मैं खुलासे करने वाला हूं, बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, ये आप देख सकते हैं वसई का तहसील कार्यालय है। इस तहसील कार्यालय में मैं अभी ऊपर तक जाकर आया हूँ, लेकिन ऊपर नीचे सेतु कार्यालय जो प्राइवेट ठेकेदार को दिया हुआ है वहाँ पर काम शुरू है। ऊपर तहसीलदार कार्यालय में कोई एक भी अधिकारी कर्मचारी इस समय मौजूद नहीं है, ना कोई छुट्टी का दिन है, ना ही कोई छुट्टी जाहिर की गई है, लेकिन वहाँ एक भी कोई बंदा नहीं है। कुछ एक आध सिपाही है जरूर, उसको जब पूछा गया कि सब कहाँ पर है तो उसे बताया कोर्ट में। तो दरअसल आपको मालूम होगा कि कल थाने एसीबी यूनिट ने रेड की थी, और रेड में नायब तहसीलदार प्रदीप दामोदर मोकणे और उनके साथ में मंडल अधिकारी संजय सोनावणे, इन दोनों को पकड़ा था। उसका आज कोर्ट में आर्ग्यूमेंट जारी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहा है और बेल आर्ग्यूमेंट के ऊपर सुनवाई जारी है। लेकिन इसी बीच पूरा का पूरा तहसील कार्यालय के जितने अधिकारी और कर्मचारी हैं वो अपना काम छोड़कर उन आरोपियों के लिए वहाँ कोर्ट में जमा है जिनके ऊपर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा हुआ है। अब वो क्यों पब्लिक का काम रोका गया और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, खुद तहसीलदार मैडम भी है या नहीं है, इसकी अभी तक जानकारी नहीं आ पा रही है सामने, क्योंकि उनका कैबिन भी बंद है। तो कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ यहाँ पर काम नहीं करके धोखा करते एक तरह से सरकारी अधिकारी, उसका नमूना यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।